जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है। वहीं नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। जिले भर में एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सभी थानेदार अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्ती कर रहे हैं और लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं। इधर भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस के जवान काफ़ी मुस्तैद दिखे और वाहनों की सघन तलाशी ली। ततारपुर चौक, पर्वती चौक, स्टेशन चौक, कचहरी चौक समेत विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया गया। कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया और दोबारा पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दोपहिया, चार पहिया समेत सभी वाहनों को चालकों से रोक टोक कर घर से बाहर निकलने का कारण पूछा और ठोस कारण या प्रमाण दिखाने के बाद ही जाने की इजाज़त दी। हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घर में रहें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके, और हम लोग तो अपना ड्यूटी कर ही रहे हैं, लेकिन जनता लोगों से भी गुजारिश है कि वो लोग भी इसमें सहयोग करें और लॉकडाउन का अच्छा सा पालन करें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बिहार झारखंड से जुड़ने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस दौरान बाहर से आने वाले लोगों और वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। कहलगांव अनुमंडल के पिरपैती और सन्हौला प्रखंड में 6 जगहों पर सीमा को सील किया गया है। वहीं जगदीशपुर सन्हौला मोड़ के समीप भी जिला प्रशासन के आदेश पर सील किया गया है, जिससे बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। बाहर से आने वाले लोगों एवं संदिग्धों को क्वारंटाइन में रखने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए 2 दिन पूर्व ही जगह का चयन किया गया था, लेकिन मंगलवार को भी अधिकतर विद्यालयों में ताला लटका रहा। क्वारंटाइन सेंटर के संचालन के लिए किसी भी कर्मी की तैनाती अब तक नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के द्वारा घोषित संदिग्ध अपने हिसाब से रहने के लिए जगह तय कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोग संक्रमण की चिंता से भयभीत हैं। साकून प्रखंड के मध्य विद्यालय राधानगर में मंगलवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। पूरे विद्यालय में एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आया और न ही जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कर्मी। वहीं दूसरी ओर चोरी छुपे या पैदल बाहर से आने वाले लोगों ने घर जाना शुरू कर दिया है। जिले में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के नाम पर काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। नवगछिया में गंगा स्नान करने गई 2 युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक दोनों युवती की पहचान तिनटंगा के कुतरुमपुर मंडल टोला निवासी के रूप में हुई है। घटना रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के तिनटंगा दियरा की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह मृतक दोनों युवती नदी में स्नान करने गई थी, इसी दौरान दोनों गहरे पानी में डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस स्थानीय गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों के शव को नदी से बाहर निकाला। इस दौरान काफ़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी नदी किनारे जुटी रही। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहन जो था वो डूब गया, स्नान करने के लिए गया था, उसके साथ में कुंदन कुमारी भी गया था जो कि वो भी डूब गया और मृत्यु हो गया, जो कि हम समाज के साथ लेकर आए हैं नवगछिया अनुमंडल के साथ। सभी मेरे प्रखंड भी अध्यक्ष महोदय जी वो भी मेरे साथ हैं और वो रिपोर्ट। कैसे डूबे? उसमें पानी में लहा रहे थे। कोरोना महामारी से होने वाले संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान एवं श्याम भक्त मंडल नवगछिया के सदस्यों ने नवगछिया के नगरा, बंसी, नवादा एवं धुबनिया टोला में ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया। विष्णु खेतान ने लोगों को हमेशा नाक मुंह को ढककर रखने, आपस में दूरी बनाए रखने और मास्क या रुमाल का उपयोग हमेशा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इसलिए सरकार द्वारा किए लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों से बाहर ना निकले। इस दौरान नगरा गांव के मुखिया भरतलाल पासवान, सुमित अग्रवाल, प्रवीण दुबे, अभिषेक कुमार, चंदेश्वरी सिंह समेत कई लोग मौजूद थे।
वहीं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से सोमवार को भागलपुर के कोतवाली चौक मंदरोजा के अलावा कई जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। खासकर सब्जी विक्रेताओं और खरीददारों को कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के बारे में बताया और इससे बचाव के लिए जागरूक किया। संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान एवं डॉक्टर गौतम अग्रवाल ने माइक के माध्यम से लोगों को मास्क, गमछा एवं रुमाल का उपयोग करने के साथ नियमित रूप से हाथ धोने की बात कही। भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे के निर्देश पर जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार की ओर से मंगलवार को कोरोना संदिग्धों एवं जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन सामग्री का वितरण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कई न्यायिक पदाधिकारियों ने मायागंज अस्पताल एवं अस्पताल परिसर में मौजूद कोरोना संदिग्धों एवं गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन वितरित किया और साथ ही सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए जागरूक भी किया। भागलपुर पोस्टल डिवीजन की ओर से मंगलवार को भीकनपुर स्थित झुग्गी बस्ती के लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद के नेतृत्व में बांका के सहायक डाक अधीक्षक नीरज कुमार चौधरी समेत पोस्टल सर्विस से जुड़े कई अधिकारी एवं कर्मियों ने जरूरतमंद लोगों के बीच चूड़ा, बिस्किट, नमकीन, साबुन समेत कई खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान डाक कर्मियों ने लोगों से हाथ धोने और आपस में दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया और कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचाव करने की बात कही। डाक अधीक्षक आल ने कहा कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है और इससे लड़ने के लिए एकमात्र उपाय सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण काम धंधा ठप हो गया है और ऐसे में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरित किया गया है। इस मौके पर डाक कर्मियों के अलावा झुग्गी बस्ती के लोग मौजूद थे। आज का प्रोग्राम डाक विभाग के तरफ से आयोजित किया गया। इसमें हम लोग जो निडी आदमी हैं उन लोग को जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे खाने के लिए हम लोग चूड़ा, बिस्किट, मिक्सचर का पैकेट और सैनिटाइजेशन के लिए हाथ धोने के लिए लाइफ बॉय का सोप का एक एक पीस जो है सब लोग को वितरण करने का उद्देश्य यही है कि कोरोना में निडी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, प्लस अवेयरनेस भी जगाएँ कि हम लोग को हाथ जो है से हमेशा साफ करना है, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रहना है ताकि कोरोना की वृद्धि ना हो, उसका चेन को हम लोग ब्रेक करें। इसलिए हम लोग एक ऐसे मोहल्ला में गए जहां करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निडी लोग सेवा दे सकें। अपने डाक के विभाग जो है एसेंशियल सर्विस में आता है, हमारे सभी कर्मचारी लोग दूर दराज यहाँ भागलपुर और बांका डिस्ट्रिक्ट के जितने पोस्ट ऑफिस हैं सब में काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, लोगों को डाक की जो सेवाएं हैं उनको कर रहे हैं, साथ साथ AEPS के द्वारा पैसा का वितरण या ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के अध्यक्ष अनुराधा खेतान, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी ये अपील है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो समस्या हमारे अभी देश पर आ गई है उससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ से परहेज करना है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, मास्क लगाकर हमेशा रखना है। कोशिश करिए कि हम घर में भी आपस में बात करें तो मास्क लगाकर बात करें और मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया है उसमें उनका पूरा सहयोग हमें करना है और हमें घर से बिल्कुल नहीं निकलना है। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए हमें हर परहेज को करना ही, हमारे जीवन को बचाना है।
बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धार्मिक संगठन से जुड़े लोग भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भागलपुर जिलाधिकारी प्रणब कुमार से मुलाकात कर दुर्गावाड़ी मंदिर समिति के लोगों ने DM को मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,51,000 रुपये की सहयोग राशि का चेक सौंपा। चेक सौंपने के बाद आर्य धर्म प्रचारणी सभा के सुब्रत मोइत्रा और डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए चैत्र नवरात्र पर बासंती दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सिल्क TV भी आप सभी संपन्न लोगों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिक से अधिक अंशदान करने की अपील करती है। कोरोना वायरस के कारण जहां पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, वहीं इस लॉकडाउन में कई लोगों ने चैती छठ को लेकर भगवान भास्कर को अर्घ देकर पूजा अर्चना की। बांका के कटोरिया में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सोमवार को संध्या अर्घ एवं मंगलवार को सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देकर व्रत संपन्न किया। व्रतियों ने घर के समीप ही कृत्रिम तालाब बनाकर छठ पूजा की और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देश एवं दुनिया से समाप्त करने की कामना की। छठ व्रती सावित्री देवी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष नदी के किनारे जाकर भगवान भास्कर को अर्घ देती थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण घर में ही भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की गई। वहीं बांका के अमरपुर में भी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए चैती छठ की पूजा की गई। मंगलवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देकर 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व संपन्न हुआ। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए काफ़ी कम संख्या में लोग छठ घाट पहुँचे। छठ महापर्व में भगवान सूर्य एवं प्रकृति की पूजा की जाती है और इसी को लेकर छठ व्रतियों ने संयमित रूप से छठ पूजा की और भगवान सूर्य से अपने परिवार की सुख शांति के साथ पूरे देश को कोरोना से मुक्त करने की कामना की। भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार से मुलाकात की। विधायक ने DM से मिलकर लॉकडाउन के बाद जनता को हो रही परेशानियों से अवगत कराया और कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी ली। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास आज भी राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। अजीत शर्मा ने बताया कि उनके पास 6,000 से अधिक लोगों का आवेदन आया है जिन्हें राशन की सख्त आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को उन्होंने आवेदन सौंपा है। वहीं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद अख्तर हुसैन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लॉकडाउन को देखते हुए प्रवासी मजदूरों को बेहतर सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने की मांग की है। देखिए, ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं, जिनको जो काम नीचे रोज दिनदहाड़ी मांग का मजदूरी करते हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हों, ठेला वाले हों, घर में पोछा पोछा करने वाले हों, घर में काम करने वाले हों, गुंजा बेचने वाले, बहुत से ऐसे ऑटो चलाते हैं, बहुत से लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो देख रहे थे कि सरकार के द्वारा प्रशासन कुछ बंट नहीं रहा है। तो मेरे यहाँ भी इधर 3-4 दिनों से करीब 6,000-7,000 लोगों ने आवेदन दिया है अपना अपना कि हम लोग को खाना नहीं है। वही मैं माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा हूँ और यहाँ भी सोचा कि जिला पदाधिकारी बताऊँ क्या कर रहे हो आप लोग। उन्होंने बताया है कि कल तक कुछ ना कुछ होगा और हमने कहा कम से कम 15 दिन का राशन एक बार उनको दे दीजिए, सबों को, चावल हो, दाल हो, आलू हो, लेकिन अभी तक दिशा निर्देश उनको मिला नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री को वो पत्र आज फिर से भेज रहा हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कल तक निश्चित तौर पर, कल के बाद सभी वार्डों में जो लोग ऐसे हैं जिनके पास अनाज नहीं है, खाने को नहीं है, निश्चित तौर पर उनको अनाज मुहैया कराया जाएगा।
यह मैं पूर्ण विश्वास आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूँ। सरकार से मेरा यही अनुरोध करता हूँ, सरकार से नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि जितना भी दिहाड़ी मजदूर है सबकी सुरक्षा के लिए एक अच्छा इंतजाम किया जाए, उसके खाने पीने का खूब अच्छा इंतजाम किया जाए, कोई भूख न मरे, सरकार की बदनामी न हो, इस पर खास ध्यान दिया जाए और हर जगह अपने आदमियों से ये कहा जाए कि कोई भी दिहाड़ी मजदूर भूख न मरे, जाने आने का व्यवस्था उसको घर सही सलामत पहुंचा दिया जाए और कम से कम सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि 3 महीने का स्कूल कॉलेज का फीस को माफ कर दिया जाए। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में गरीब और असहाय दिहाड़ी मजदूरों के सामने जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं इन समस्याओं के समाधान के लिए भागलपुर में कई सामाजिक संगठन और समाज से भी आगे आ चुके हैं, जो पुलिस प्रशासन के सहयोग से प्रवासी मजदूरों और असहाय लोगों की सहायता कर रहे हैं। शहर के ततारपुर इलाके में स्टॉल लगाकर ततारपुर थाना की पुलिस, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान और कई सामाजिक कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन होने के कारण एक बहुत बड़ा जत्था जो है पलायन कर गया है अपने वर्क प्लेस से, तो उसके कारण क्या हो रहा हम देख रहे हैं कि लोग पटना से, आरा से, बक्सर से पैदल चल के आ रहे हैं, तो दिन में तो कम दिखाई पड़ रहा है लेकिन रात में एक लंबा समूह दिखाई पड़ रहा है जिस तरह आ रहा है, थका हुआ है। हम लोग अपनी कम्युनिटी के सब लोग अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि उनके खाने लायक जो सग्रामी जमा कर सकते हैं, चूड़ा है, गुड़ है, ब्रेड है और क्या कहते हैं बन है, सब चीज़ दे रहे हैं, प्लस दवाइयों का भी एक हम लोगों ने इंतजाम रखा है। वहीं कुछ युवा शहर में घूम घूम कर ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों की भी प्यास बुझा रहे हैं। मंगलवार को सुर्खीकल काली स्थान समिति की ओर से बाइक सवार युवाओं की टोली ने सड़क किनारे खड़े लोगों के बीच बिस्किट और पानी का वितरण किया। निस्वार्थ भाव से राहत सामग्री बांट रहे युवाओं ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिस्किट ये सिपाही जी लोग हैं, जो रोड पर रिक्शा वाला लोग हैं, गरीब आदमी जो नहीं पानी उन्हीं का जरूरी है, उन लोगों के लिए हम लोग पानी की व्यवस्था की है, पानी और बिस्किट है जो हम लोग ले दे रहे हैं। कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भागलपुर पुलिस द्वारा लगातार बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले भर के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों द्वारा स्वेच्छा से अपनी सैलरी से 5 दिनों के वेतन का अंशदान करने का निर्णय लिया है। पुलिस कप्तान आशीष भारती ने कहा कि भागलपुर पुलिस गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को अंशदान से खाद्य सामग्री तथा सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराएगी। SSP आशीष भारती ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो वह पुलिस सहायता सेल से संपर्क कर सकते हैं।